क्रिकेट को जेंटलमैन के साथ साथ एक स्टाइलिश खेल भी माना जाता है, जिसमें बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज तक सभी का अपना एक अलग ही अंदाज होता है। इसमें अधिकतर खिलाड़ी अपने अटूट रिकॉर्ड को लेकर क्रिकेट जगत में दबदबा कायम करने की कोशिश करते हैं, तो वहीं कुछ खिलाड़ियों के अजीब एक्शन ही उनकी पहचान बन जाते हैं। जैसे चारों दिशाओं में गगनचुंबी शॉट खेलने वाले एबी डिविलियर्स क्रिकेट प्रशंसकों के लिए मिस्टर 360 बन गए हैं, और अपने एक्शन को लेकर क्रिकेट का जो खास वर्ग अब तक सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है वो है चाइना गेंदबाज। इनके गेंदबाजी एक्शन होते भी इतने कमाल के हैं जिससे सामने खड़ा बल्लेबाज आसानी से चकमा खा जाता है। तो आइए आज नारा टीवी इन्हीं चाइनामैन गेंदबाजों में से उन 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करेगा जो अपने बेहद अजीबोगरीब बॉलिंग एक्शन को लेकर या तो विवादित रहे या खूब सुर्खियां बटोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारा टीवी की क्रिकेट श्रृंखला की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब इन खिलाड़ियों के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि चाइना मैन गेंदबाज किन्हें कहा जाता है। वैसे तो आप में से बहुत से दर्शकों को पहले से ही पता होगा, लेकिन यहाँ इसका उल्लेख करने से पहले वीडियो में सहजता होगी। चाइनामैन गेंदबाज गेंदबाजी की कोई विशेष दर्जा नहीं है, बल्कि एक बॉलिंग तकनीक है। चाइनामैन गेंदबाज बाएं हाथ के स्पिनर ही होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गेंदबाज गेंद को स्विंग करने के लिए उंगलियों के बजाय अपने कलाइयों का प्रयोग करते हैं। चाइनामैन शब्द का सबसे पहले प्रयोग वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के गेंदबाज एलिस अशोंग के लिए किया गया था। नारा टीवी के इस लिस्ट का पहला नाम सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि ये नाम सिर्फ किसी चाइनामैन गेंदबाज का ही नहीं बल्कि इस तकनीक का सबसे पहले प्रयोग करने वाले लेफ्ट आर्म स्पिनर का है। 1933 में इंग्लैंड के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ वेस्टइंडीज के एलिस अशोंग ने एक ऐसी गेंदबाजी का प्रयोग किया जिसमें गेंद को टर्न कराने के लिए उंगलियों के बजाय कलाइयों का प्रयोग किया गया था, जिसका नतीजा इंग्लिश बैट्समैन वेल्टर रॉबिन्स के विकेट के रूप में रहा, जिसके बाद क्रिकेट दर्शक ही नहीं सभी खिलाड़ी भी हैरान रह गए, क्योंकि एलिस के इस गेंद पर बहुत ज्यादा टर्न देखने को मिली। अब आपके मन में यह सवाल लाजमी है कि इस गेंदबाजी तकनीक को चाइनामैन नाम कैसे मिला। दरअसल में एलिस एक चीनी मूल के वेस्टइंडीज खिलाड़ी थे, और जब अंपायर द्वारा वेल्टर रॉबिन्स को आउट करार दिया गया तो वो पवेलियन लौटते समय अंपायर से बोले, फैंसी बीइंग डन बाय अ ब्लडी चाइनामैन। बस तभी से ही लेफ्ट लेग स्पिनर को चाइनामैन गेंदबाज कहा जाने लगा। इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो है पॉल एडम्स का। 90 के दशक के इस साउथ अफ्रीकन गेंदबाज का गेंदबाजी एक्शन काफी कमाल का था। इनके इसी अजीबो गरीब गेंदबाजी एक्शन की वजह से इन्हें फ्रॉग इन द ब्लेंडर भी कहा जाता था। 1995 में इंग्लैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के कप्तान हैंसी क्रोनिये ने 18 वर्षीय चाइनामैन पॉल एडम्स को प्लेइंग 11 में खिलाकर एक अनोखा प्रयोग किया, और एडम्स ने यहां 8 विकेट अपने नाम करके कप्तान के फैसले को सही साबित किया। पॉल एडम्स ने दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले गए कुल 45 टेस्ट मैचों में 134 विकेट हासिल किए। वहीं 24 वनडे में भी उन्होंने 29 विकेट निकाले। बावजूद उनका क्रिकेट करियर बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। पॉल एडम्स अपने एक्शन की वजह से साउथ अफ्रीका के एकमात्र मिस्ट्री बॉलर माने जाते थे। इस लिस्ट में अगला नाम केविन कोथीगोडा का है। उनका बॉलिंग एक्शन चाइनामैन पॉल एडम्स से मिलता जुलता लेकिन उनसे भी बेहद मुश्किल है। इस श्रीलंकन गेंदबाज ने अबू धाबी T20 लीग में वाटसन के सामने अपने इस अनोखे और उलझाऊ गेंदबाजी से सभी क्रिकेट प्रशंसकों को चाइनामैन गेंदबाज पॉल एडम्स की याद दिला दी। उस समय ये इतना चर्चित रहा कि केविन के साथ पॉल एडम्स भी काफी सुर्खियों में आ गए थे। हालांकि इनके गेंदबाजी एक्शन पर लोगों द्वारा काफी सवाल भी उठाए गए, लेकिन जांच में इनका ये एक्शन गेंदबाजी के सभी मानकों पर खरा उतरा। उनके कोच धमिका सुदर्शन ने बताया कि शुरू में केविन को सही लाइन और लेंथ नहीं मिल पाती थी, क्योंकि वो गेंद डालते समय पिच को अच्छे से देख नहीं पाते थे, और अब उन्हें इस अलग बॉलिंग एक्शन से खासा फायदा मिलता है। 21 वर्षीय ये युवा गेंदबाज जल्द ही श्रीलंका क्रिकेट टीम में डेब्यू कर सकता है। अब बात करें लिस्ट के अगले नाम की, तो ये नाम है ऑस्ट्रेलिया के महानतम चाइनामैन गेंदबाज ब्रेट हॉक का। ऑस्ट्रेलिया टीम के इस नियमित गेंदबाज का जहां शानदार करियर रहा, वहीं उनकी गेंदबाजी का अंदाज भी सबसे अलग रहा। इनकी धीमी स्पिन गेंद एक रहस्य जैसी ही हुआ करती थी, जिस कारण बल्लेबाजों को इनकी गेंद को भांपना टेढ़ी खीर जान पड़ता था। ये 2003 और 2007 की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा भी रहे। ब्रेड हॉग ने अपने कुल 123 एक दिवसीय मैच में 156 विकेट
अपने नाम किए, जिसमें इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन 32 रन पर 5 विकेट वेस्टइंडीज के खिलाफ है। ऑस्ट्रेलिया का ये जादुई चाइनामैन गेंदबाज आईपीएल के शुरुआती सीजन में भी कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में भी नजर आ चुका है। ब्रेड हॉग उन चुनिंदा चाइनामैन गेंदबाजों में हैं जिनका अंतरराष्ट्रीय करियर इतना शानदार रहा है कि आज के समय में ये किसी प्रेरक से कम नहीं है। इस लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो भारत के ही चाइनामैन गेंदबाज शिविल कौशिक का है, जिन्हें आप सभी दर्शक अच्छे से जानते भी हैं। वैसे तो भारतीय क्रिकेट के पहले चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं, लेकिन शिविल कौशिक की अनूठी गेंदबाजी एक्शन उन्हें इस लिस्ट में शामिल करती है। 2017 की आईपीएल में ये गेंदबाज अपनी अजीब एक्शन के कारण ही दर्शकों की खासा नजर में रहा। इनकी एक्शन तो कुछ हद तक पॉल एडम्स से भी मिलती जुलती है, लेकिन एडम्स की तरह कोई विशेष उछाल देखने को नहीं मिलती। शिविल ने आईपीएल 2016-17 में गुजरात लायन की तरफ से खेला था, जिसमें इन्हें 7 मैचों में ही खेलने का मौका मिला, जिसमें इनका बेस्ट किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 20 रन पर 3 विकेट रहा। सीमित मैच खेलने पर भी ये चाइनामैन गेंदबाज अपने अलग अंदाज के लिए आज भी क्रिकेट प्रशंसकों के चर्चाओं में शामिल है। फिलहाल ये अभी भी घरेलू टूर्नामेंट में खेलते नजर आते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।